आप सबका एक बार फिर स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप जानते हैं, दिन में एक वीक में हम दो बार प्रेस ब्रीफिंग करते हैं कोविड की हालात को लेके। मैं आज आपको बताऊं कि लास्ट वीक में जो वीक कल हमारा खत्म हुआ है, एक प्रेसिडेंट चेंज देखा गया है। लास्ट हफ्ते की बात करूं मैं, इसी दौरान हमारे पास 22 केसेस पॉजिटिव थे और इस हफ्ते में हमारे पास 44 पॉजिटिव केसेस। ये मोस्टली क्रेडिट 3 दिन को जाता है, 2 दिन लगातार जो है फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ द वीक जो कल खत्म हुआ है उसमें हमारे 10-10 केस पॉजिटिव आए थे और कल की डेट में इन परसों रात को लेट आवर्स में हमारे पास 17 केसेस पॉजिटिव आए। तो ये 3 दिन की फिगर जो है मेजरली एट्रीब्यूट करती है आपके 244 केसेस इस वीक में आए। यहां तक पॉजिटिविटी रेट की बात करें, लास्ट वीक में पॉजिटिविटी रेट जो था हमारा 0.33 था, जो इस वीक में बढ़ के 0.66, एग्जैक्टली डबल। इसका मतलब ये है कि हम टेस्ट जो है ऑलमोस्ट उसी पेस पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने से ये जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है जो एक चिंता का विषय है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि अगर हमने अपने आप को बचाया नहीं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया, तो थर्ड वेव जो है वो आ सकती है और उसकी पीक कहीं अक्टूबर में हो सकती है। तो आज की डेट में हमारे पास 70 से 75 डेज हैं जिसमें हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे खास ध्यान देना है और साथ साथ जो वैक्सीनेशन है उस पर मेजर स्ट्रेस करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन जब तक नहीं लगेगी तब तक हम अपने आप को नहीं बचा सकते। एटलीस्ट ये नहीं है कि वैक्सीनेशन से जो जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुई है वो पॉजिटिव नहीं हुए हैं, उनमें भी लोग पॉजिटिव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है, वो बहुत कम है। और साथ में उसमें सीवियरिटी जो है वो बहुत कम हुई है, किसी को हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी है। और आज हमें खुशी है कि आज हमारा एक भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल में नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो 750 LPM का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो इंस्टॉल हो चुका है, उसका ट्रायल 1 दिन में हो जाएगा, जो दूसरा उसके साथ ही 750 LPM